लेकिन मिला क्या बिहार को, नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू उन्होंने लगाया। नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब होता है बिहार के वासियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि नाइट कर्फ्यू का मतलब बिहार में कुछ नहीं है। यहां तो नाइट होते 9-10 रात बजते ऐसे ही लोग घर में चले जाते हैं, लोग सो जाते हैं। नाइट कर्फ्यू मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूं कि बिहार के लिए नहीं है नाइट कर्फ्यू, महाराष्ट्र के लिए है नाइट कर्फ्यू, केरल के लिए है नाइट कर्फ्यू, बेंगलोर में माना जाता है जहां 9-10 रात के बाद लोग पब में, डिस्को में या बार में जाते हैं और रात में लोग टाइम के लिए वहां करते हैं, लोग मौज मस्ती के लिए बाहर निकलते हैं, वहां नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता है बिहार। नमस्कार मित्रों, मैं अभय कुमार सिंह, प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश। एक बार इस कोरोना महामारी में आपके बीच मुखातिब हुआ हूं। मित्रों, बड़े दुख की बात है कि आज जो पूरा बिहार, पूरे बिहार की 12 करोड़ आबादी जो इस भीषण त्रासदी को झेल रहा है, इसमें हमारे बिहार सरकार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पर हाथ खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में सभी डीएम से एक एक करके उन्होंने संवाद किया, एक एक कर से सब लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार की हालत की जानकारी लिया और जानकारी लेते लेते फिर एक बार पूरे विरोधी दल का पूरे सर्वदलीय बैठक बुला करके और सर्वदलीय बैठक का पूरा खेला करके और बिहार को बताया कि हम कुछ कोरोना महामारी में डिसीजन लेने जा रहे हैं और हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लेकिन मिला क्या बिहार को, नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू उन्होंने लगाया। नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब होता है बिहार के वासियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि नाइट कर्फ्यू का मतलब बिहार में कुछ नहीं है। यहां तो नाइट होते 9-10 रात बजते ऐसे ही लोग घर में चले जाते हैं, लोग सो जाते हैं। नाइट कर्फ्यू मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूं कि बिहार के लिए नहीं है नाइट कर्फ्यू, महाराष्ट्र के लिए है नाइट कर्फ्यू, केरल के लिए है नाइट कर्फ्यू, बेंगलोर में माना जाता है जहां 9-10 रात के बाद लोग पब में, डिस्को में या बार में जाते हैं और रात में लोग टाइम के लिए वहां करते हैं, लोग मौज मस्ती के लिए बाहर निकलते हैं, वहां नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता है। बिहार के लोगों को नाइट कर्फ्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपने नाइट कर्फ्यू लगाया है और बिहार की जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, हम सब लोग देख रहे हैं कि न कहीं दवाई मिल रहा है, न ठीक से जांच हो रहा है, न कहीं बेड है, न कहीं ऑक्सीजन है, न कहीं वेंटिलेटर है। सब कुछ भगवान भरोसे बिहार का चल रहा है। अगर सब कुछ बिहार भगवान के भरोसे चल रहा है, हर दिन कोई ना कोई बिहार के नेता, हमारे सरकार के लोग आपको कह दूं कि माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी ने भी नीतीश कुमार जी से मांग किया था कि बिहार को फुली लॉकडाउन किया जाए, अदरवाइज महाराष्ट्र जैसी हालत बिहार की हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी का ये नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है। यानी कुल मिला के नीतीश कुमार जी को कोई अपने सहयोगियों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या मांझी जी हो या मुकेश सहनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो पूरे सत्ता के मद में चूर हैं और उनके मन में है कि वो जो करेंगे, वो जो कहेंगे, वही बिहार के लोग 12 करोड़ आबादी माने, उनको बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। हम लोग कितनों हल्ला करते रहेंगे नीतीश जी पर के कान तक जो नहीं रेंग रहा है। मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी को जब अपने दुलरुआ विधायक, तारापुर के विधायक माननीय मेवालाल चौधरी जी, पूर्व मंत्री को जब उन्होंने नहीं बचा पाया, जिनका एक सरकारी विधायक होने, एक सरकार के अंग होने के नाते भी एक विधायक जी जब 12 तारीख को मुंगेर में अपना जांच कराते हैं, 15 तारीख के शाम तक का उनको जब रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो बिहार की जनता को कब रिपोर्ट मिलेगा। जब एक विधायक जी आईजीएमएस में भर्ती होने के लिए अपने आप को पूरा एनर्जी लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, फिर भी उनका भर्ती आईजीएमएस में नहीं हो पाता है, वहां जांच केवल एक उनका हो पाता है, उस जांच के रिपोर्ट उनका निगेटिव आता है, जबकि उनके सांस में प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम होने के बाद वो पटना डीएम को फोन करके जब पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और पारस हॉस्पिटल में लगातार 3 दिन तक अपने आप को मैंने जंग कोरोना से लड़ते हुए और काल के गाल में चले जाते हैं, तो एक बिहार सरकार जब नीतीश कुमार जी जब अपने विधायक को, दुलरुआ विधायक को नहीं बचा पाते हैं, तो इस 12 करोड़ की जनता को क्या बचा पाएंगे। बिहार के 12 करोड़ की जनता भगवान भरोसे है, इसलिए मैं पूरे बिहार वासियों के एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं, साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एवं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं,
कि बिहार को अगर बचाना है इस 12 करोड़ आबादी से, अगर आपको प्यार है तो निश्चित रूप से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा करके इस कोरोना महामारी को झेल लीजिए। अभी कोई एनडीए कोई यूपीए इस महामारी में काम नहीं देने वाला है, केवल बिहार की जनता की आवाम की सुरक्षा अब आपके हाथ में है, आप ही कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के कान तक कोई विरोधी दल का कोई हम लोगों के बात का उनके कान तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बार सारे बिहारवासियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बिहार सरकार भगवान भरोसे जब आपको खड़ा कर दिया है तो खुद से, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगा के हो या जैसे हो, जो भी गाइडलाइन डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है उसके हित उसको का पालन करते हुए आप अपने आप को होम क्वारंटाइन रखें, घर में रखें, घर से नहीं निकले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभय कुमार सिंह, प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी। धन्यवाद।